City Report is brought to you by Buddy University, co-sponsored by Sandeep Jewelers, LR Group of Institutes, Hans Jewelers Institute. नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं लक्ष्मी ठाकुर। चंबा के महिला गांव की लोहड़ी खड्ड में नहाते समय दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। नहाते समय एक युवक जब खड्ड में डूबने लगा तो दूसरा युवक उसे बचाने के लिए खड्ड में उतरा, लेकिन पानी गहरा होने के कारण दोनों ही पानी में डूब गए, जिस कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। चंबा की बंदला पंचायत में शुक्रवार शाम लगभग 6:30 बजे एक युवक को बचाने के चक्कर में दूसरे ने भी अपनी जान गंवा दी। सूचना के अनुसार एक परिवार महिला के लोहड़ी खड्ड के पास पिकनिक मनाने गया था, तब तीन युवक खड्ड में नहाने लगे, जिसके बाद एक युवक नदी में अचानक डूबने लगा और दूसरे युवक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों खड्ड में डूब गए। परिजनों द्वारा शोर मचाने पर गांववासी खड्ड के पास पहुंचे, जिन्होंने दोनों युवकों को खड्ड से निकाला, जिसके बाद दोनों युवकों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से चंबा भेजा गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चंबा अस्पताल पहुंचने पर दोनों को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया। घटना की जानकारी देते हुए ASP कुलवंत सिंह ने बताया कि घटना में दो युवकों की मृत्यु हुई है, जिसमें एक चंबा का रहने वाला है और दूसरा अनंतपुर साहब का रहने वाला है। दोनों रिश्तेदार हैं और खड्ड में नहाते समय डूबने के कारण दोनों की मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि गांव लोहड़ी में महिला खड्ड के पास दो युवक, जिनमें से एक का नाम सतेंद्र सिंह निवासी चंबा, उम्र 32 साल, और कमलजीत सिंह निवासी अनंतपुर साहब पंजाब, उम्र 21 साल, जो कि दोनों ही युवक आपस में रिश्तेदार थे, वो खड्ड में डूब के जो है उनकी मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई। दोनों ही युवकों का पोस्टमार्टम आज जिला चंबा अस्पताल में करवाया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। हमीरपुर में जिला ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने की। हमीरपुर में ग्रामीण विकास कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक नई पहल की शुरुआत करते हुए साल भर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को जिला प्रशासन अपनी तरफ से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया। हमीरपुर में जिला ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर ने की। बैठक में हमीरपुर ब्लॉक के तहत पड़ने वाली विभिन्न पंचायतों से आए हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मनरेगा व अन्य योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों की प्रगति के अलावा इन कार्यों में आ रही दिक्कतों के बारे में भी चर्चा की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि मनरेगा में कार्य करने वाले मिस्त्रियों को प्रदेश सरकार द्वारा तय की गई दिहाड़ी दी जाएगी और राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि पंचायतों में कार्य के लिए दिए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज जल्द से जल्द दिए जाएं, ताकि कार्यों की प्रगति तेज गति से हो सके। बैठक के बारे में उपायुक्त हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि प्रशासन द्वारा पंचायत में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न पुरस्कारों के अलावा जिला स्तर पर अपनी तरफ से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पुरस्कार के तहत जिला प्रशासन द्वारा एक पंचायत को अपनी ओर से 1,00,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया है। मनरेगा और जो अन्य हमारे ग्रामीण विकास जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें किस तरह की बाधाएं आ रही थी, उनको दूर करने के लिए, उनकी गति बढ़ाने के लिए, उनको और सकारात्मक परिणाम पाने के लिए क्या क्या कदम हमें उठाने होंगे, उस पर थी। तो हमने उसमें 3 या 4 बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए हैं, निर्णय लिए हैं। एक तो जो मिस्त्रियों की जो दिहाड़ी है उसमें बोल रहे थे बहुत कम है, हमने उसको सरकार के निर्देश अनुसार उसको बढ़ाया है। साथ साथ में हमने ये भी बोला है कि जो औपचारिकताएं जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको हटा दिया जाए,
मुझे ये पता चला है कि पटवारियों से पर्चे तीमें लाने में एवं निशानदेही कराने में प्रॉब्लम आ रही है काम करवाने से पहले, तो इस पर भी हम स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं अपने राजस्व अधिकारियों को कि जो पंचायत के जो कार्य हैं उसमें किसी प्रकार की ऐसी बाधा नहीं आनी चाहिए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि हमने सारे अपने जो अधिकारीगण हैं उनके लिए और पंचायतों के लिए एक रिवॉर्ड स्कीम स्टार्ट की है, कंपटीशन जिससे थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन हो सके। जो पंचायत बेस्ट होगी उसको हम 1,00,000 रुपीज़ डीसी फंड से उसको देंगे। बैठक के दौरान हमीरपुर में विभिन्न योजनाओं के तहत पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। सिरचान के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की कथनी व करनी में बहुत अंतर है, जिसका स्पष्ट उदाहरण हाल ही में मध्य प्रदेश में उजागर हुए व्यापम घोटाले में सामने आया है। और भाजपा की सोच केवल मात्र लोगों को गुमराह कर सत्ता हथियाने की थी, जिसमें वे कामयाब रही। ये आरोप हमीरपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मंडी उप समिति के चेयरमैन प्रेम कौशल ने लगाए। हमीरपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मंडी उप समिति के चेयरमैन प्रेम कौशल ने कहा कि यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने वाली भाजपा के नेता अब अपनी पार्टी के ऊपर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनका बचाव कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि खुद के नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फंसने के बाद भाजपा के नेताओं के लिए भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए की सरकार के समय लगभग 2.5 वर्षों तक महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों के ऊपर हिंदुस्तान की संसद को चलने नहीं दिया, हिंदुस्तान की संसद को ठप रखा। आज जब भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेताओं के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो हाई कोर्ट की निगरानी में जिनकी जांच चल रही है, आज जब मैं टेलीविजन के ऊपर में कल डिबेट देख रहा था इस मुद्दे के ऊपर, तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की बात करते थे और बहुत ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करते थे, आज उनकी नज़र में भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल गई। सिरचान के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। जुर्माना राशि न भर पाने के कारण सरकार ने 16 निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। ये कार्यवाही ICTC एक्ट के तहत दिए गए निर्देशों के आधार पर की गई है। ये जानकारी कांगड़ा में प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंत्री GS बाली ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंत्री GS बाली ने कांगड़ा में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश में बहु तकनीकी संस्थानों में दाखिले को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया है। वर्तमान में 2200 सीटें 15 सरकारी एवं 7500 सीटें 24 गैर सरकारी बहु तकनीकी संस्थानों में भरी जानी है। प्रथम काउंसलिंग में समस्त सरकारी संस्थानों की 90% सीटें भरी जा चुकी है, जिसके लिए 60% न्यूनतम अंक कट ऑफ रखा गया था। उन्होंने कहा कि पूर्व में निजी संस्थान इस न्यूनतम कट ऑफ अंकों के निर्धारण में परिवर्तन के लिए न्यायालय में गए थे, जिसके लिए न्यायालय द्वारा AICT के अनुसार ही दाखिले के निर्देश सरकार को प्राप्त हुए थे। गत वर्ष सरकार ने इन निर्देशों की अनुपालना करते हुए JEE व PAT की कक्षाएं आरंभ की थी। बच्चों को इन्हीं मापदंडों के आधार पर दाखिले दिए गए थे। बाली ने बताया कि AICT के आधार पर प्रदेश में 21 निजी बहु तकनीकी संस्थानों को जुर्माना लगाया गया था। इसके अनुसार जुर्माने की 50% राशि इन कॉलेजों को सरकार को जमा करवानी थी, जो कि लगभग 1,35,12,000 रुपए की थी। उन्होंने कहा कि केवल 5 संस्थानों द्वारा ही ये जुर्माना राशि जमा करवाई गई, जिस कारण शेष 16 संस्थानों की मान्यता सरकार को रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों ने सरकार को संस्थान से संबंधित मांगी गई सूचनाएं भी गलत उपलब्ध करवाई और इन कॉलेजों की परीक्षा परिणाम भी बहुत कम रहे, जो कि 2009 से 2012 तक के बैच के 35% और 2010 से 2013 के बैच के 25% ही रहे हैं। बाली ने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है और प्रदेश में खुले समस्त सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा के लिए मापदंड तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो संस्थान इन मापदंडों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खुले समस्त बहु तकनीकी एवं अन्य तकनीकी विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग की जाएगी, ताकि प्रदेश के लोगों को अपने बच्चों को दाखिलों के समय संस्थान स्तर का पता चल सके। MG2 पॉलिटेक्निक बुलना टिप्पर 1,65,000,
मिनर्वा पॉलिटेक्निक इंदौरा 13,53,000, गौतम गर्ल पॉलिटेक्निक हमीरपुर 7,86,000, देवसिया वुमेन पॉलिटेक्निक हमीरपुर 5,43,000, केसी पॉलिटेक्निक पंडोगा 33,99,000। ये पेनल्टी जो ऐसे ऐसे करके 12-14 ऐसे इनसे कम कोई कितने लगी टोटल अमाउंट है 1,35,12,000। इसकी टोटल लगी 2,93,83,500 और इसका गवर्नमेंट 50% 1,35,12,000 उन्होंने वो डिपॉजिट नहीं किया, इसलिए किसी ने भी नहीं करवाया कि? नहीं, 5 ने करवा दिया। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था तो बोर्ड ने, टेक्निकल बोर्ड जो है, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, उन्होंने 16 जो प्राइवेट कॉलेज थे उनको डिसएफिलिएट कर दिया है। अब 16 कॉलेज डिसएफिलिएट हो गए हैं क्योंकि टाइम टू टाइम दे विल गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। सिर चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। कंडाघाट के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत तुंदल के अलछो गांव स्थित हनुमान मंदिर में मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा शनिवार को शनिदेव की मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा मंदिर परिसर में शनिदेव जी की मूर्ति स्थापना के अवसर पर अनुष्ठान का आयोजन किया गया। उसके बाद मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा मंदिर में हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया। कंडाघाट के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत तुंदल के अलझों गांव स्थित हनुमान मंदिर में मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा शनिदेव की मूर्ति स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना के अवसर पर पिछले 3 दिनों से अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा था। अनुष्ठान का समापन शनिवार सुबह हुआ। इसके बाद मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर में हवन यज्ञ भी किया गया। हवन यज्ञ के बाद शनिदेव जी की मूर्ति स्थापित की गई। सबसे पहले पंडितों द्वारा शनिदेव जी की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति के साथ ही शनिदेव की मूर्ति भी स्थापित की गई। इस मौके पर क्षेत्र से भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हरमहेंद्र ठाकुर ने भी मंदिर में आकर माथा टेका। अमर बाबा ने बताया कि शनिवार को मंदिर में शनिदेव जी की मूर्ति स्थापित की गई। ये मूर्ति राजस्थान से मंगवाई गई है। उन्होंने बताया कि इस तरह की मूर्ति पूरे सोलन जिला में नहीं है। आज शनि महाराज की 3 दिन से अनुष्ठान चल रहा है और ये मूर्ति राजस्थान से लाई गई है और इस इलाके में, इस क्षेत्र में कहीं भी ऐसी मूर्ति नहीं है क्योंकि ये शनि महाराज की पे विराजमान है और 3 आज 28 तारीख को इनकी प्रतिष्ठा पूर्ण हो रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हरमहेंद्र ठाकुर ने बताया कि सोलन जिला के अलावा अन्य जिलों में इस प्रकार की मूर्ति को नहीं देखा गया। उन्होंने बताया कि इस मूर्ति में शनिदेव गिद्ध पर सवार हैं। ये मूर्ति बहुत ही कम देखने को मिलती है। उन्होंने बताया कि 2 माह पहले इस मंदिर में पंचमुखी हनुमान की मूर्ति भी स्थापित की गई थी। शनिदेव की यहाँ पूजा की, अर्चना की, 3 दिनों से पंडित लोग बैठे थे और विधि पूर्वक इसकी स्थापना की गई। माननीय अमर बाबा जी की अध्यक्षता में ये इसकी स्थापना की गई। पिछले दिनों 2 महीने पहले मतलब यहाँ हनुमान जी की एक मूर्ति की स्थापना हुई थी और 2 महीने से लोग इस स्थापना का इंतजार कर रहे थे और यहाँ आसपास सोन जिला में, उसके आसपास सोलह जिला में इस प्रकार की मूर्ति कोई नहीं है जो गिद्ध पर बैठी हुई हो और इससे लोगों में एक धार्मिक प्रथा का और एक पूजा अर्चना का एक विश्वास बढ़ रहा है और दूर दराज से जितनी आसपास की पंचायतें, यहाँ महिला पुरुष बुजुर्ग बहुत योगदान दे रहे हैं और यहाँ इस जगह का अच्छा प्रताप हो रहा है। सिर चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित की गई। महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष मनवरी चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की जिसमें संगठन की प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जिला अध्यक्षों और उपस्थित पदाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगामी समय के लिए नए कार्यक्रम व गतिविधियों को संचालित करने पर विस्तार से चर्चा की।
शनिवार को शिमला में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष मनभरी चौधरी ने की। बैठक में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू मुख्य अतिथि और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की सचिव एवं हिमाचल महिला कांग्रेस की प्रभारी परप्रीत बराट ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जिला अध्यक्षों और उपस्थित पदाधिकारियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगामी समय के लिए नए कार्यक्रम व गतिविधियों को संचालित करने पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान, बूथ स्तर पर महिला कांग्रेस की कमेटियों के गठन, महिला कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को जोड़ने और आगामी समय में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले महिला सम्मेलन में प्रदेश की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मनभरी चौधरी ने कहा कि आगामी समय में हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस को और अधिक सशक्त व मजबूत करने के लिए बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश भर में महिला कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें युवा तथा पंचायती राज व स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पराजय के संदर्भ में जिला अध्यक्षों से और तथा संगठन की गतिविधियों एवं आगामी समय के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा को प्रस्तुत करना है। दूसरा हमारा मेन एजेंडा है महिला कांग्रेस की सदस्यता अभियान बारे, और तीसरा है बूथ स्तर पर महिला कांग्रेस की कमेटियों को गठित करना व उनको मजबूत करना। चौथा मेन एजेंडा है कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से हम अपनी महिला कांग्रेस की जो महिलाएं हैं जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, तो उनसे हम विचार विमर्श करेंगे कि कितनी भागीदारी वो अपनी सुनिश्चित करेंगी। सीट चयन के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिरडी साईं बाबा को लेकर गुरु स्वरूपानंद शंकराचार्य द्वारा दिए गए विवादित बयान का विरोध समूचे भारत के साथ साथ हिमाचल में भी होने लगा है। इसी के चलते हिमाचल के शिरडी साईं बाबा भक्त संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सतीश बैरी ने सोलन के परवाणु में साईं भक्तों के साथ मिलकर रोष प्रकट किया और गुरु शंकराचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साईं भक्तों ने शंकराचार्य को अपना बयान वापिस लेने की मांग की। शिरडी साईं बाबा को लेकर गुरु स्वरूपानंद शंकराचार्य द्वारा दिए गए विवादित बयान का विरोध समूचे भारत के साथ साथ हिमाचल में भी होने लगा है। शिरडी साईं बाबा भक्त संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सतीश बैरी ने कहा कि गुरु स्वरूपानंद शंकराचार्य द्वारा साईं बाबा को दिया गया विवादित बयान काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य गुरु ने ऐसा विवादित बयान दिया है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस बयान से शिरडी साईं बाबा के देश और विदेश के सभी भक्त आहत है और इस बयान को उन्हें वापस लेना चाहिए। बैरी ने शंकराचार्य गुरु से आग्रह भी किया है कि वे धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाली बात ना करें। उन्होंने कहा कि आज देश में जगह जगह इस बयान को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि देश की शांति भंग हो, और अगर शंकराचार्य अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो उनका ये रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। साईं भक्त सुमित ने कहा कि गुरु स्वरूपानंद शंकराचार्य द्वारा दिया गया विवादित बयान काफी शर्मसार है। उन्होंने कहा कि उनका उच्च पद पर रहते हुए इस तरह की बात करना शोभनीय नहीं है। कि जैसे स्वामी जी ने अपना बयान बाबा के विरोध में दिया है, तो आज हमने इस विरोध में जो है नारेबाजी की है, स्वामी जी से अपील की है नारों के माध्यम से कि वो अपने जो है बयान वापस लें। बाबा हमारी जान है, हम भक्तों की शान है, वो उन्हें बयान वापस लेना पड़ेगा। अगर जगह जगह इस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि देश में अशांति हो, देश में किसी प्रकार से साईं भक्तों में कोई मतलब इतना जोश पैदा हो जाए कि वो कुछ कर बैठे। ऐसे ही बाबा स्वरूपानंद जी थोड़े थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई ऐसे लोगों को भड़काने वाली और दो धर्मों के बीच में खाई पाटने वाली बात करते रहते हैं, तो हम इसका पुरजोर खंडन करते हैं। और बाबा हमारे दिल में बसते हैं, हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके स्वामी स्वरूपानंद जी अपने इन बातों को वापस लें और साईं भक्तों से क्षमा याचना करें। सीट चयन के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है और प्रदेश देश भर में स्वास्थ्य के विभिन्न मानकों पर श्रेष्ठ राज्य आंका गया है, जिसका श्रेय प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को जाता है। मुख्यमंत्री राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला द्वारा गेयटी थिएटर में आयोजित वार्षिक समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। शिमला के गेयटी हॉल में राजकीय दंत महाविद्यालय अस्पताल शिमला के वार्षिक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ी है और मौजूदा समय में रोग भी कई गुना बढ़ गए हैं, इसलिए आज के दौर में स्वास्थ्य क्षेत्र में और शोध की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य अधोसंरचना सुदृढ़ करने के साथ साथ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी स्कूलों के 18 साल तक के विद्यार्थियों को गंभीर बीमारी की हालत में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नशाखोरी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों को कड़ाई से निपटने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पराचिकित्सकीय सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने के अनेक चिकित्सा पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार की वित्तीय सहायता से विशेषज्ञ सेवाएं स्तरोन्नत की गई हैं। उन्होंने कहा कि चंबा, नाहन और हमीरपुर में 3 मेडिकल कॉलेज आरंभ होने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि दंत महाविद्यालय वर्ष 1994 में आरंभ किया गया था और वर्ष 2006 में उनके कार्यकाल के दौरान यहां BDS की सीटें 20 से बढ़ाकर 60 की गई थी। ये संस्थान आज दंत चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्कान योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान 850 वरिष्ठ नागरिकों को डेंचर सुविधा प्रदान की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री विद्यार्थी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों की नियमित दांतों की जांच और उपचार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। I procured permission from Government of India to start 3 new medical colleges, E-Tech, Nahan, Chamba and Hamirpur. It will be a boost to the medical education and will turn around producing more specialized doctors. We will take care of the health of the people in rural and leading areas of this state. इस मौके पर दंत महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज की वेबसाइट www.hpgdshimla.org का शुभारंभ किया और स्मारिका का विमोचन भी किया। मौके पर नगर निगम के उपमहापौर टिकेंद्र पौर, प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष हरीश जनार्था, स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक डॉ. जयश्री शर्मा, दंत महाविद्यालय शिमला के प्रधानाचार्य डॉ. RP लूथरा और IGMC के प्रधानाचार्य SS कौशल तथा IGMC के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रमेश चंद सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। टी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। जिनका नाम सुनते ही लोगों की सांसें थम जाती थी, जिनके खौफ से गांव से लेकर शहर के गली मोहल्लों में वीरानी छा जाती थी, जिनकी चंबल के 25 जिलों में हुकूमत चलती थी, ऐसे 550 डाकुओं के सरदार और खौफ का पर्याय रहे डाकू पंचम सिंह आज के ब्रह्म कुमार पंचम भाई बनकर लोगों को उपदेश दे रहे हैं। सोलन जिला पहुंचे ब्रह्म कुमार पंचम भाई ने सिरी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश के गांव सीमपुर में उनका जन्म हुआ।
और एक भाई व दो बहनों में वे सबसे बड़े थे। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की थी, जो अन्यायपूर्ण था, जिस कारण तंग आकर उन्होंने डाकू बनने का मन बनाया। उसके बाद उन्होंने अपनी ही एक डाकू की फौज बनाकर चंबल पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सन 1958 से 1972 तक चंबल के बिहड़ों से लेकर अंचल के 25 जिलों में करीब 14 वर्ष तक डाकू का जीवन धारण किया। मध्य प्रदेश में छोटे से गांव में हमारा जन्म हुआ सन 1924 में। सन 1958 में मेरे गांव में पंचायती चुनाव हुआ। चुनाव के कारण जो पार्टी हो गई, लोगों ने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा। 20 दिन हम अस्पताल में रहे, ठीक होके अपने गांव में आए। लोग मुझे परेशान करने लगे, मेरे अंदर एक बदला लेने की भावना जागृत हुई। बदले की भावना को लेकर चंबल घाटी में डाकुओं से मिले। डाकुओं ने मुझे अपने साथ में रख लिया। एक दिन 12 लोगों को लेकर अपने गांव में गए, 6 लोगों को गोली से मार दिया, डाकू बन गए। 14 वर्ष तक हमारा डाकू जीवन रहा। सन 1972 में हम 550 डाकुओं ने समर्पण किया था। उस समर्पण की आवाज़ भारत में का सारे विश्व में गूंजी थी। हजारों मीडिया विदेश का आया था, इसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा चले। ब्रह्म कुमार पंचम भाई ने कहा कि जब देश में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा उनके गिरोह को पकड़ने वाले को 1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन कोई भी पकड़ में नहीं आया। उसके बाद उन्होंने सरकार को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा और अपनी शर्तों को भी बताया। सरकार द्वारा उनकी मांगे मानी गई और तभी उन्होंने अपने 550 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। न्यायालय ने उन सभी को फांसी की सजा सुनाई थी, जो कि बाद में उम्र कैद में बदल गई। पंचम भाई ने बताया कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने सन 1972 में मध्य प्रदेश की जेल में ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की प्रमुख प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि के प्रवचन करवाए थे, जिनको सुनने के पश्चात डाकू पंचम सिंह की जिंदगी की दिशा ही बदल गई। इसी के मद्देनजर उन्हें 8 वर्ष के उपरांत जेल से छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहन भाइयों को बुलाया और कहा कि आपकी संस्था भारत में जब चलेगी, पहले डाकुओं का परिवर्तन करके दिखाओ। तो सरकार ने लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की थी, रहने की व्यवस्था की थी। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की शिक्षाओं के द्वारा हम 550 डाकुओं के विचार बदल गए। सरकार ने 8 वर्ष में छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद चंबल घाटी में फूलन देवी बनी, अन्न डाकू बनी, उनका भी हम लोगों ने समर्पण कराया, समाज में लाया। डाकूगिरी करीबन चंबल घाटी में 100 वर्ष से चली आ रही थी। सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया, कई बार समर्पण कराया, लेकिन डाकू समस्या हल नहीं हो पाई। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से आज चंबल घाटी में एक भी डाकू नहीं। पंचम भाई ने कहा कि लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना जरूरी है। विचारों से ही व्यक्ति दानव और देवता बनता है। उन्होंने कहा कि हमारे सोचने और समझने से ही कोई समस्या बड़ी या छोटी प्रतीत होती है। यदि हम अपने विचारों को और अपने नजरिए को सकारात्मक रखेंगे तो हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। उन्होंने कहा कि वे 90 वर्ष के हो गए हैं और पिछले 20 वर्षों से घी, दूध और दोपहर को जूस का ही सेवन करते हैं, इसलिए वे आज भी स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। आज मैंने विधि से अपनी पूर्व डाकूगिरी की तो सरकार को भी मेरे सामने सरेंडर होना पड़ा, और विधि पूर्वक मैंने भक्ति की तो फरिश्ते को भी मेरे सामने आना पड़ा और विधि से अपने जीवन को चलाया। 3 माह 90 वर्ष की उम्र में मैंने अपने जीवन को संपूर्ण निरोगी बनाया है। 20 वर्ष से हमने भोजन भी नहीं किया, दूध और घी का सेवन करते हैं। कभी कभी दिन में आम का जूस वगैरह फल आदि भी ले लेते हैं। क्रिया बिगड़ने से मनुष्य की जिंदगी बिगड़ती है, और जिसकी क्रिया सही उसकी जिंदगी सही। वे इन दिनों प्रदेश के विभिन्न शहरों और गांवों का भ्रमण कर लोगों के क्षीण विचारों और संकीर्ण मानसिकता को बदलने के लिए प्रेरित कर उन्हें सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सिर चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती है।
इसी कड़ी में शनिवार को किड्स चॉइस स्कूल चक्कर द्वारा शिमला के कालीबाड़ी हॉल में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसका उपस्थित दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में शनिवार को किड्स चॉइस स्कूल चक्कर द्वारा अपने वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब समा बांधा गया। समारोह में AC-DC सचिन कमल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। पर मुख्य अतिथि सचिन कमल ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों को आगे आने का मौका मिलता है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उसके लिए इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करना और अपना परफॉर्मेंस देना और जो टैलेंट है उनका शो करने का मौका मिलता है और जो कॉन्फिडेंस लेवल इस स्टेज पर बिल्डअप होता है आगे आने वाली जिंदगी में हर एक स्टेज के लिए काम आए। नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसके लिए सबसे बड़ी बात है जागरूकता। जब जागरूकता होगी इस तरह के व्यसनों में, इस तरह की आदतों में बच्चे ना पढ़ें, उसके लिए स्कूल में जहाँ वो पढ़ते हैं, जहाँ वो दिन में अपना काफ़ी टाइम बिताते हैं, उसके साथ साथ जो माहौल है, जिस परिवेश से वो आ रहे हैं, घर परिवार पूरे समाज, हम सबकी जिम्मेवारी है कि इन तरह की चीज़ों से अगर हम जब जानते हैं कि ऐसे भी प्रवृत्तियाँ हैं तो उन्हें दूर रखें। वहीं इस मौके पर स्कूल की चेयरपर्सन किरण बावा ने कहा कि उनका उद्देश्य रहता है कि बच्चों को किताबों से हटकर व्यावहारिक ज्ञान दिया जाए, साथ ही विभिन्न गतिविधियों में भी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। किड्स चॉइस पब्लिक स्कूल आज 11th एनुअल डे फंक्शन है और हम हर साल ये फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। इससे बच्चों को एक तो एक्सपोजर बड़ा मिलता है, दूसरा बच्चे और जो टीचर से फ्रेंडली हो जाते हैं। जो हमारा मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि कुछ बच्चे हमारे, हर स्कूल में कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, तो उनके लिए एक स्टडी को हम ना मान के, क्योंकि पेरेंट्स का भी उन पर प्रेशर रहता है, टीचर्स का भी प्रेशर रहता है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि उनको कल्चरल एक्टिविटी में लेके आगे आएँ और साथ में वो बच्चे जब डांस वगैरह परफॉर्म करते हैं अपना सारा कुछ, तो उसको हम आगे लेके जाएँ, तो बच्चे इससे बच्चों को बहुत ही उत्साह मिलता है। सिर चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। बीते कल मौसम की खराबी के कारण यात्रा स्थगित होने के चलते कांची कामकोटी पीठ के 69वें शंकराचार्य स्वामी जैनेन्द्र सरस्वती जी आज 28 जून को छोटा शिमला स्थित अपने शिष्य व आशियाना रिजेंसी के मालिक सुरेश कुमार चड्डा के घर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शनों को पहुंचे। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बावजूद शिमला पहुँचे शंकराचार्य स्वामी जैनेन्द्र सरस्वती जी ने लोगों को निराश नहीं किया और दर्शन तो दिए ही, साथ ही उन्हें आशीर्वाद स्वरूप केसर की विभूति भी दी। कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य बनने तक के अपने सफरनामे पर संक्षिप्त सा प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि मात्र 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास दीक्षा ली और उसके बाद काशी, केदार और कैलाश के बाद तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य का दायित्व संभाल रहे हैं। उन्होंने नई पीढ़ी को बलिभद्र का पाठ करने का संदेश दिया और कहा कि इस पाठ से सन्मार्ग प्राप्त होता है। शंकराचार्य कल 29 जून को संकट मोचन में गणेश मंदिर में अभिषेक करेंगे। हम सब लोगों का मूल गुरु आदि गुरु शंकराचार्य, वो केरल में अवतार किए, नम्बूरी परिवार में अवतार किए, वो 5 उम्र में संन्यास दीक्षा लिया, अपने संस्कार हो गया, 8 उम्र में संन्यास दीक्षा लिया ओंकारेश्वर में गोविंद भगवत्पाद आचार्य जी से संन्यास दीक्षा लिया
यहीं से कुछ काल सेवा करके काशी गया। नई पीढ़ी में सब लोग भजगोविंद पाठ करते, भजगोविंद पाठ करने से सब लोगों का बुद्धि सद्बुद्धि होगा, सन्मार्ग में आ जाएगा, अच्छा काम करेगा, फिर सभी लोगों का आशीर्वाद मिल करके सर्व क्षेम रूप में उनका जीवन अच्छा होगा। शिमला वाला हिमाचल वाला है, हिमालयो नाम नगाधिराज, ऐसे कालिदास ने लिखा है। ऐसा हिमाचल में एक प्रदेश शिमला, इस प्रदेश में सर्व क्षेत्र है, यहाँ मैं चौदी बार आता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आया हूँ। इस प्रकार जितनी काम होने भी उतनी सच्चा काम होने से उसमें भाग लेकर के काम करना, यही है मुख्य काम है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यूनेस्को द्वारा कुल्लू जिला के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर का दर्जा दिए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की छठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। शिमला के होटल हॉलिडे होम में आयोजित पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि पर्यटन उद्योग प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 9.75% का योगदान देता है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होटलों की शाखाओं की स्थापना के लिए यहां पूंजी निवेश को आमंत्रित करना बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पूंजी निवेश के इच्छुक होटल व्यवसायियों को पट्टे पर जमीन अथवा होटल निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने की सुविधा प्रदान कर सकती है। इस मामले में पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया द्वारा दिए गए सुझावों पर सहमति व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में फिक्की, असोचैम और CII जैसी संस्थाओं के सहयोग से सम्मेलन और सभाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि होटल व्यवसायी भी इन संस्थाओं के सदस्य होते हैं और ये उचित अवसर होगा जहां प्रदेश में पर्यटन उद्योग के हितों के लिए पूंजी निवेश के लिए आग्रह किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और हिमाचल प्रदेश को 2029 तक वैश्विक दीर्घकालिक पर्यटक गंतव्य स्थल बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्राचीन मंदिरों के नवीनीकरण और पुनर्निर्माण पर बल देते हुए भाषा कला एवं संस्कृति विभाग को सलाह दी कि विभाग प्राचीन मंदिरों को पुरातत्वकालीन पारंपरिक वास्तुशिल्प के अनुरूप पुनर्निर्माण करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पुरातत्व मंदिरों के नवीनीकरण की आवश्यकता है और संबंधित विभागों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने जाखू रोपवे को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी करने और लंबित प्रस्तावों को तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए। वीरभद्र सिंह ने सराहन से बाशल बांदा के मध्य रोपवे बनाने पर बल देते हुए कहा कि पर्यटन की दृष्टि से ये बेहद लाभकारी पग होगा और पर्यटक भी किन्नौर की भावा वैली की सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थल विशेषकर शिमला में पर्यटकों को होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए बस स्टैंड, प्रवेश बिंदुओं और रेलवे स्टेशन पर कुलियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए पर्यटकों को पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है। वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश में पार्किंग स्थलों के निर्माण कार्य की प्रगति की भी जानकारी ली और कार्य प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि पर्यटन ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है और प्रदेश में पर्यटन उद्योग के लिए प्राकृतिक संपदा के दोहन की प्रचुर संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश को पर्यटकों का मनपसंद गंतव्य बनाने के प्रति वचनबद्ध है और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर पर्यटन निदेशक मोहन चौहान ने विभाग द्वारा पर्यटन के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी।
मुख्य सचिव पी मित्रा और अतिरिक्त मुख्य सचिव वी सी फारका सहित बोर्ड के अन्य सरकारी और गैर सरकारी सदस्य भी इस दौरान मौजूद थे। सिटी चैनल के लिए शिमला से अनीश चौहान के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक नगर निगम के उपमहापौर टिकेंद्र पंवर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सड़कों की मुरम्मत, टायरिंग और नए पार्किंग स्थल तैयार करने के लिए 11 FCA के मामले सहित सभी पार्षदों को पानी की जांच के लिए वाटर टेस्ट किट उपलब्ध करवाने जैसे समग्र विकास के मुद्दों पर फैसला लिया गया। शिमला शहर में टायरिंग और मेटलिंग के लिए अब संयुक्त ठेके दिए जाने पर सहमति बनी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए निगम के उपमहापौर टिकेंद्र पंवर ने लिए गए फैसलों की संक्षिप्त जानकारी दी। चर्चा तो आपने भी सुनी है सर, और इसमें मतलब मुख्य तौर पर तो जो जनरल इश्यूज जो और शहर में आज इस तरह से आ रहे हैं और खासकर पार्किंग सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे के रूप में आ रही है, उस पर हमने 11 नए FCA के केस बनाकर दिए हैं जिसमें सैकड़ों नई गाड़ियों के लिए हम पार्किंग बना सकते हैं। और इसमें उसको जो छोटे शिमला के अंदर उनको भी अप्रूवल दी है कि वो ज़्यादा वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर सकें, ज़्यादा अच्छी पार्किंग वहाँ बना सकें। और उसके साथ साथ जो पेनलाइज करने के लिए जो आया था उसको हमने डिफर किया है नेक्स्ट हाउस के लिए। और कुल मिलाकर आप ओवरऑल डेवलपमेंट के ही इश्यूज़ थे जिस तरह से यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से मैं समझता हूँ जिसमें ज़्यादा ज़रूरत भी थी वो है जो हमने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है इसमें इसी बीच में, और साथ में नई GFC और FCPC का इलेक्शन जो हुआ है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। राजकीय कन्या महाविद्यालय में शनिवार को ओल्ड आर्कैम्बियन एसोसिएशन द्वारा फैट का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न फूड स्टॉल सहित कई मनोरंजक खेलों के स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मीरा वालिया ने किया। कार्यक्रम के अंत में ड्रॉ भी निकाले गए जिसमें विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में ओल्ड आर्कैम्बियन एसोसिएशन द्वारा फैट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसोसिएशन के संरक्षक व कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मीरा वालिया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने एसोसिएशन के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि फेड का आयोजन कर आरकेएमवी की पूर्व छात्राओं, शहरवासियों और पर्यटकों को जहां आपस में मिलने का अवसर प्रदान हुआ, वहीं उनके मनोरंजन के लिए कई स्टॉल भी लगाए गए। महाविद्यालय प्रांगण रंग बिरंगे रंगों से चमक रहा था। यहाँ गोलगप्पे, चाट पापड़ी, कढ़ी, कश्मीरी कढ़ाई, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ कई मनोरंजक खेलों के स्टॉल भी लगाए गए थे। एसोसिएशन की प्रधान मीरा सिंह ने कहा कि वे हर वर्ष इस तरह की गतिविधियां आयोजित करती रहेंगी जिससे आरकेएमवी के पुराने और नई पीढ़ी को मिलने का अवसर प्राप्त हो और वे अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करें। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आरकेएमवी एक बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकले हैं जो आज हर तरह की जॉब में हैं, चाहे वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IPS हैं, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे एथलीट्स जो स्पोर्ट्स पर्सन्स भी निकले हैं। लेकिन किसी कारणवश हम लोग जो इस तरह के मेलों का आयोजन नहीं कर पाते, ये फेट जो आयोजित की गई है इसका उद्देश्य एंजॉय करना तो है ही है, साथ में पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जो आरकेएमवी में आना चाहते हैं पर नहीं आ पाते हैं, एक तो वो बिजी हैं, दूसरा इस तरह का कोई आयोजन नहीं होता, तो अगर हम इस तरह के फीचर्स अपने जो लाइफ में रेगुलर करते रहें तो मुझे लगता है हमें अपने दोस्तों से, साथियों से और टीचर्स से मिलने का अवसर भी प्राप्त होता है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। राजधानी शिमला में स्वर्ण विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता और नए व आकर्षक डिजाइनों के गहने उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, साथ ही ग्राहकों को लुभाने के लिए विभिन्न योजनाएं भी आरंभ की गई है। इसी कड़ी में शिमला के लोअर बाजार स्थित राजेंद्र ज्वेलर्स द्वारा सोना खरीदो कार जीतो भाग दो योजना का अंतिम लकी ड्रॉ निकाला गया जिसमें सुन्नी के रहने वाले महेंद्र परिहार को प्रथम पुरस्कार के रूप में ऑल्टो कार मिली है। शिमला के लोअर बाजार स्थित राजेंद्रा ज्वेलर्स द्वारा अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता और नए व आकर्षक डिजाइनों के गहने उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहीं राजेंद्रा ज्वेलर्स द्वारा ग्राहकों को लुभाने के लिए विभिन्न योजनाएं भी आरंभ की गई है जिसमें लोगों को कई आकर्षक इनाम दिए जा रहे हैं। राजेंद्रा ज्वेलर्स द्वारा शुरू की गई योजना सोने पे सुहागा, सोना खरीदो कार जीतो भाग दो स्कीम का
अंतिम ड्रॉ निकाला गया, जिसमें पहला पुरस्कार ऑल्टो कार और दूसरा पुरस्कार माइक्रोवेव ओवन, वहीं तीसरा पुरस्कार इंडक्शन प्लेट निकला। राजेंद्रा ज्वेलर्स द्वारा सभी पुरस्कार 13 जुलाई को दिए जाएंगे। राजेंद्रा ज्वेलर्स के मालिक सुफल सूद ने कहा कि सभी विजेता प्रतिभागियों को 13 जुलाई को पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सोना खरीदो कार जीतो भाग दो योजना के बाद सोना खरीदो कार जीतो भाग तीन योजना चलाई जाएगी। वहीं उन्होंने अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी। जीतो भाग दो का अंतिम ड्रॉ हमने आज निकाला है और इसमें पिछली बार भी हमने भाग एक में कार दी थी, श्रीमती रेखा शर्मा करसोग से हमको मिली थी। आज हमारे प्रथम पुरस्कार कार के रूप में मिला है श्री महेंद्र परिहार, ये शून्य से हैं, कूपन नंबर 1163 पर। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन मिला है सुश्री सरिता को, कूपन नंबर 1070 पर। इंडक्शन प्लेट दी है 1910 नंबर कूपन पर श्री राजेंद्र सिंह को। इसके अलावा हम 4 हॉटकेस और 8 डिनर सेट आज के पुरस्कार में और निकाले हैं। विजेताओं को, कार जीतने वालों को हमने तुरंत सूचित कर दिया है और सौभाग्य की बात है कि उनकी भी शादी 7 जुलाई की है, तो बिटिया मत कार एडवांस में लेके आ रही है, बड़ी भाग्यशाली बिटिया है। और सारे पुरस्कार हम 13 जुलाई को 11 बजे होटल लैंडमार्क में देंगे, जिसमें कि इस ड्रॉ के सारे पुरस्कार विजेता और पिछले हमारे नवम्बर से लेकर के अब तक के सारे पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार देंगे। के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। रोहड़ू के नंदपुर में युवा स्पोर्ट्स क्लब द्वारा 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा ने किया। यशवंत छाजटा नंदपुर पहुंचने पर आयोजकों व पंचायत प्रधान द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यशवंत छाजटा ने जहां खेल को खेल की भावना से खेलने की सलाह दी, वहीं उन्होंने नंदपुर सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 1.5 लाख व नंदपुर सड़क को पक्का करने के पहले फेज के लिए 3 लाख रुपए दिए। ये प्रतियोगिता लगभग पिछले 30 साल से चल रही है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न किया है। और ग्रामीण इलाकों में स्पोर्ट्स का जो महत्व है, तो आप जानते हैं कि हमारे पास इतने बड़े स्तर के यहाँ पे मैदान नहीं है। सिरचैन के लिए रोहड़ू से रविंदर ठाकुर की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार। City Report was brought to you by Badi University, co-sponsored by Sandeep Jewelers, LR Group of Institutes, Hans Jewelers Institute.